डाकू का नाम सुनते ही गब्बर सिंह का वो इमेज चारों ओर घूमने लगता है और वो गब्बर का डायलॉग कितने आदमी थे। गब्बर का ये अंदाज देख शायद ही किसी ने सोचा होगा कि गब्बर से किसी को प्यार भी हो सकता है। जी हाँ, अपनी खुखार हंसी से हर किसी का दिल दहला देने वाले अमजद खान की लव स्टोरी भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो उस लड़की के सैया बने थे जो उन्हें भैया कहकर बुलाती थी। तो चलिए आपको इस वीडियो में गब्बर की भैया से सैया बनने वाली कहानी बताते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल। बॉलीवुड के बेहतरीन विलेन की बात हो और उसमें साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के डाकू गब्बर सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा होना तो नामुमकिन है। बता दें कि अमजद खान ने साल 1972 के दौरान शैला खान से शादी की थी, लेकिन वो शैला को उस वक्त दिल दे बैठे थे जब वो महज 14 साल की थी। इस बात का खुलासा खुद शैला खान ने किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी और अमजद खान की लव स्टोरी बयां की थी। शैला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो और अमजद मुंबई के बांद्रा में एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। वो अमजद को जयंत अंकल के बेटे के तौर पर जानती थी। उस वक्त शैला सिर्फ 14 साल की थी और स्कूल में पढ़ाई करती थी, वहीं अमजद खान कॉलेज में थे। दोनों एक दूसरे के साथ बैडमिंटन खेलते थे और वो उस दौरान अमजद खान को भैया कहती थी। भैया शब्द सुनकर अमजद खान नाराज हो गए थे। उन्होंने शैला से कहा था कि मुझे भैया मत कहा करो। वहीं एक दिन जब शैला स्कूल से लौट रही थी, तब अमजद खान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और बोले कि जल्दी से बड़ी हो जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। इसके कुछ दिन बाद ही अमजद ने शैला के घर पर शादी के लिए रिश्ता भिजवा दिया था। उस वक्त शैला की उम्र कम थी, जिसके चलते उनके पिता ने इनकार कर दिया, लेकिन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। आखिरकार साल 1972 के दौरान दोनों ने शादी कर ली। अमजद और शैला के 3 बच्चे हुए। अमजद के बड़े बेटे शादाब खान ने फिल्म राजा की आएगी बारात से फिल्म में डेब्यू किया, जिससे रानी मुखर्जी ने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। आपको अमजद खान की एक और दिलचस्प बात बताते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल अमजद खान शादीशुदा होने के बाद बॉलीवुड की उस खलनायिका को दिल दे बैठे थे जिन्होंने तमाम फिल्मों में बेबस बेगुनाह नायिकाओं पर बेपनाह जुल्म ढाया, यानी कि कल्पना अय्यर। दोनों में एक क्वालिटी सेम थी, दोनों ही पर्दे पर निर्दोष लोगों पर बड़े जुल्म ढाते थे। उस दौर में अमजद खान की तरह कल्पना अय्यर ने भी खलनायिका के रोल में खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो ऐसी रही है गब्बर की लव स्टोरी। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपको गब्बर की ये लव स्टोरी के बारे में पता था। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और भी एंटरटेनमेंट की ऐसी ही दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।